Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog with Jazzy. तो भाई आज मुझे एक invitation आया है from United Meat Fruit and Vegetables. ये एक नई दुकान खोली है बहादुरबाद में. And they claim they have the best variety of imported chocolates in Pakistan. So I had to go and see for myself. And trust me, when I reached there, I was not disappointed. तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको. आ जाओ. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यूनाइटेड मीट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और आप देखते हैं इनके पास क्या क्या चीजें मजे की चीजें. तो लेट्स एक्सप्लोर. जैसे कि आपको पता है कि सब लोग चॉकलेट से बड़े शौकीन हैं और जो वैरायटी ऑफ इंपोर्टेड चॉकलेट्स आपको यहाँ मिलेगी आपको शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी. तो ये जो डेयरी मिल्क है ना, ये वाला, ये इंपोर्टेड है फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनके पास ही मिलेगा. अच्छा, तो इनके पास डिफरेंट किट कैट्स के वेरियंट्स हैं, जैसे कि कुकी क्रम्बल है, कैरमल क्रिस्प है, ये क्या है, हेजलनट क्रंच, रेसबेरी ब्लास्ट, ये तो मैंने भी नहीं देखा पहले कभी, और ये है अरबिक कॉफ़ी. क्या बात है भाई. और बाकी सारी इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं, आपके M&M's हो गए, आपके हर्शीज, लंच बॉय, क्रंची. ये जो क्रंची है ये आपको मिलेगा सिर्फ साउथ अफ्रीका में और इनके पास है. और ये किट कैट वाइट भी कहीं नहीं मिलता. ये तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, मैं दो तीन यहाँ से लेके जाऊँगा. यहाँ पर ट्विक्स की भी बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. ये तो रेगुलर आपकी ट्विक्स है, बाकी ये ट्विक्स है क्रंची कैरमेल और ये सॉल्टेड कैरमेल. वाह भाई. और इवन बहुत से लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं तो उनके लिए भी आपके पास डार्क चॉकलेट है, हर्शीज का स्पेशल डार्क चॉकलेट. ये आफ्टर एट भी है, ये फेरेरो रोशर की स्पेशल कलेक्शन है, और बाकी ये हर्शीज कुकीज एंड क्रीम ड्रॉप्स हैं, किटकैट डार्क चॉकलेट ये भी है. तो इट्स रियली नाइस, गुड यार, बहुत अच्छी कलेक्शन है. बाकी ये भी सारी चॉकलेट्स यहाँ रखी हुई हैं, टॉबरॉन भी है यहाँ पर, जैसे स्किटल्स भी हैं यहाँ पर, स्किटल्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. आप ये जो नॉर्मल स्किटल्स हैं ये है वाइल्ड बेरी फ्लेवर है, और ये स्किटल्स चूवीज नो शेल, नर्ड्स भी हैं, गॉब स्टॉपर्स भी हैं, बॉटल गैप्स और रंस. वाओ यार. एक और चीज़, मैक्सिको की बहुत मशहूर चिप्स हैं जिसका नाम है टाकीज. आपको पूरे पाकिस्तान में वो चिप्स नहीं मिलेगी बट यहाँ मिलेगी, ये देखिए, और डिफरेंट फ्लेवर्स में ये टाकीज, एक्सप्लोजन चीज एंड चिली पेपर, बाकी ये टोर्टिया चिप्स में भी है, और इवन ये एक्स्ट्रा स्पाइसी. ये भी चेक करें, इनके पास डोरिटोस की भी बड़ी अच्छी वैरायटी है. पाकिस्तान में स्टारबक्स तो नहीं है बट आपको स्टारबक्स की कॉफी जरूर मिल जाएगी, ये चेक करें. आप भी जरूर ये स्टारबक्स की कॉफी यहाँ से लीजिए और घर जाके बना के पिएगा. ईद पे लोग अपने रिलेटिव्स पे जाते हैं और लोग अक्सर गिफ्ट्स लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं. तो अगर आपको भी गिफ्ट बॉक्स बनवाना है आप बिल्कुल बना सकते हैं. जैसे कि ये रखा हुआ है कि यहाँ पे ये एक गिफ्ट बॉक्स है जिसमें वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स हैं, किटकैट हो गया, मार्स हो गया, स्निकर्स हो गया, डेयरी मिल्क और इवन कोक भी है, चिप्स भी है, सब कुछ है. तो आप भी बनवा सकते हो ये. और अगर आपको अपना कस्टम मेड बास्केट बनवाना है, गिफ्ट बास्केट, तो आप वो भी बनवा सकते हो. आप अपने मर्जी के चॉकलेट्स डाल सकते हो, चिप्स डाल सकते हो, ड्रिंक्स डाल सकते हो. तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज है. आपको पता है कि बकरीद का जमाना है और बकरीद पे लोग क्या करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, दावत करते हैं. आप उसके हिसाब से भी एक गिफ्ट बास्केट बनवा सकते हैं. जैसे कि ये बना हुआ है, इसमें है आपका सॉसेस हैं, मसाले हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो ये भी ये चीज ऑफर कर रहे हैं. इनके पास स्पाइसी नूडल्स हैं जो आप देखते हैं, लोग चैलेंजेस करते हैं यूट्यूब पे. मैं सोच रहा हूँ मैं भी दो तीन ले जाऊँ और अपने चैनल के लिए एक चैलेंज कर लूँ. सॉस भी है इसके साथ, ये आपको सॉस कहीं नहीं मिलेगा. ये नूडल्स के साथ आप ये सॉस लेते हो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाता है. मेरा नेक्स्ट वीडियो यही चैलेंज होगा, ये स्पाइसी नूडल चैलेंज. तो अभी जो मैं पार्ट कवर करने वाला हूँ ये सब खातून के लिए जो ये वीडियो देख. क्योंकि नाम में मीट है तो ये बुटर शॉप भी है बट आपको पता नहीं चलेगा ये बुटर शॉप है क्योंकि इतना साफ है, ना बदबू, ना स्मेल, इट्स सो हाइजेनिक, सो क्लीन, सो सैनिटरी. अब तो मैं गोश्त यहीं से लूंगा. तो बड़ा अच्छा लगा यूनाइटेड मीट एंड फ्रूट वेजिटेबल्स विजिट करके. अब बस यहाँ आइसक्रीम ही मिलती है तो ये भाई मेरे लिए आइसक्रीम बनाएंगे.
मजे की चीजें थी उनके पास। तो आफ्टर कमिंग होम थोड़ी देर बाद आयशा, हमजा और हफ्जा आ गए थे हमारे घर, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारे घर बकरा है एंड दे वांट टू बीट द बकरा। ये जी हमजा, तुम्हारी बारी। मुझे नहीं आया। तुम निकालो आवाज। तुम्हारी बारी। अभी तो कहाँ है? खा रहा है, खा रहा है। खिलाओ हमजा। वो नीचे का खा रहा है। हाथ से खिलाओ। खिलाओ। तो बकरा देखने के बाद हम लोग गए थे केडीए टेंट, क्योंकि वहाँ बड़े अच्छे जानवर आए हुए थे। मैं दिखाता हूँ आपको। दो दफा हाथ फेरना। डर अरे इसके हम पे। वो उस पे। अरे किस पे लगाने हैं? मैं करूंगा इनके हम ये, पे। ये हम पे हाथ। ये ना। अरे जाओ ना। दो दफा, एक दफा नहीं। एक दो जाओ। अरे पहले ये तो लगा दे। बारी बारी। या अब नेक्स्ट। बहुत गंदा टेक्सचर है उसका। क्यों भाई? एक राउंड वन पास हो गया, राउंड टू इसको। ये नहीं, ये पैर है, बहुत बढ़िया। बस हाथ लगाओ, बस ये करना है। तो खड़ी हुई है। वन टू। तो गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस स्मॉल व्लॉग। और अभी तो चांद रात हो रही है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ईद की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। खैर मुझे भी जाना है ईद की प्रिपरेशन करने, मुझे भी शलवार कमीज निकालनी है। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू विद जैज़ी। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।